की प्लेइंग 11 पक्की। श्रीलंका के खिलाफ टीम में होंगे दो दो बड़े बदलाव। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सहगल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कीड़ा क्रिकेट। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का प्रदर्शन एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त रहा है। टीम इंडिया ने अपने शुरुआती 6 के 6 मुकाबले जीतकर इस टूर्नामेंट में जीत का सिक्सर लगा दिया है। लेकिन अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला है श्रीलंका के खिलाफ 2 नवंबर को। यह मुकाबला खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। तो ऐसे में इस मुकाबले के लिए अब रोहित शर्मा टीम में 2 बड़े बदलाव कर सकते हैं। वो इस अहम मुकाबले के लिए टीम इंडिया के 2 खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी कर सकते हैं। कौन से होंगे वो 2 खिलाड़ी जो टीम से बाहर जाएंगे और कौन से होंगे वो 2 खिलाड़ी जो टीम के अंदर आएंगे, उन्हीं के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कर लीजिए एक छोटा सा काम। काम आपको क्या करना है, आपको क्रिक रॉकेट की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। यह ऐप आपको क्रिकेट का लाइव स्कोर अपडेट बाकी ऐप्स के मुकाबले सबसे तेज और सबसे पहले बताती है, इसलिए इस ऐप को फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पक्की। टीम से बाहर होंगे 2-2 धांसू खिलाड़ी। दरअसल अभी तक हमने देखा है कि टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में 6 के 6 मुकाबले जीते हैं। टीम इंडिया के बल्लेबाज भी शानदार फॉर्म में हैं और टीम इंडिया के गेंदबाज भी दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, इसीलिए भारतीय टीम एक यूनिट के तौर पर नजर आ रही है। लेकिन श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में 2 बदलाव कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कैसी होगी श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11। दरअसल इस मुकाबले में अगर हम ओपनर्स की बात करें तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही आपको पारी की शुरुआत करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि शुभमन गिल इस टूर्नामेंट में स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए हैं, उनको अच्छी शुरुआत मिल जाती है लेकिन वो उसे बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में शुभमन गिल से एक बड़ी पारी की दरकार हम सभी को है। इसके अलावा दूसरे छोर पर रोहित शर्मा रनों का अंबार लगा रहे हैं। वो हर मुकाबले में अपने बल्ले का दम दिखाते हैं और रनों की बरसात करते हैं, इसीलिए रोहित शर्मा जो हैं वो इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। चलिए ये तो बात हो गई ओपनर्स की। नंबर 3 पर खेलेंगे विराट कोहली। पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ विराट कोहली पहली बार वर्ल्ड कप इतिहास में 0 पर आउट हुए थे। तो ऐसे में अब कोहली से एक बड़ी पारी की उम्मीद सभी को रहेगी और हम सभी ये चाहते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ विराट कोहली शतक लगाएं और सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर लें। वैसे विराट कोहली के लिए यह टूर्नामेंट जो है वो काफी ज्यादा शानदार रहा है। अगर हम पाकिस्तान और इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले को छोड़ दें तो विराट कोहली ने हर मुकाबले में 50 से ज्यादा रन बनाए। तो ऐसे में कोहली से एक बार फिर से विराट पारी की उम्मीद हम सभी को रहेगी। नंबर 4 पर होगा बड़ा बदलाव। जी हां, नंबर 4 पर हम देख रहे हैं कि श्रेयस अय्यर जो है वो टूर्नामेंट के शुरू से ही खेल रहे हैं लेकिन वो अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। जरूर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ हाफ सेंचुरी लगाई थी लेकिन वो शॉर्ट गेंद पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए अब श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में टीम इंडिया जो है वो श्रेयस अय्यर की जगह ईशान किशन को मौका दे सकती है और आपको श्रेयस अय्यर की जगह नंबर 4 पर ईशान किशन खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और देखिए, ईशान किशन को टीम में शामिल करने के 2 फायदे हैं। एक तो ये कि बीच में टीम इंडिया को एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज मिल जाएगा। दूसरा ये कि जहां पर नंबर 4 पर टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है, रन नहीं आ रहे हैं, वहां पर ईशान किशन खेल सकते हैं, रन बना सकते हैं, इसी वजह से टीम इंडिया नंबर 4 पर बदलाव कर सकती है। नंबर 5 पर खेलते हुए दिखाई देंगे केएल राहुल के लिए भी ये टूर्नामेंट ठीक ठाक रहा है। पहले मुकाबले में उन्होंने नॉट आउट 97 रनों की पारी खेली थी और उसके बाद भी वो टीम इंडिया की जीत में कंट्रीब्यूट करते हुए नजर आ रहे हैं, विकेट कीपिंग भी शानदार कर रहे हैं। नंबर 6 पर सूर्य कुमार यादव दिखाई देंगे। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 49 रनों की अहम पारी खेली थी और टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया था। और देखिए, टीम इंडिया ने हार्दिक पांड्या की जगह यहां पर सूर्य कुमार यादव को इसीलिए रखा है ताकि वो मुकाबले को अच्छे से फिनिश कर सके। हालांकि पिछले मुकाबले में सूर्य कुमार यादव ने 49 रन जरूर बनाए थे लेकिन वो उस तरीके से फिनिश नहीं कर पाए थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो ऐसे में सूर्या अपनी इस खामी को दुरुस्त करना चाहेंगे। नंबर 7 पर दिखाई देंगे रविंद्र जडेजा। जडेजा के लिए टूर्नामेंट भी ठीक ठाक रहा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ जब बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो वहां पर भी उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया था, इसीलिए रविंद्र जडेजा जो है वो आपको नंबर 7 पर दिखाई देंगे।
नंबर 8 पर होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, नंबर 8 पर आपको यहां पर शार्दुल ठाकुर खेलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस तरीके से टीम इंडिया की बल्लेबाजी कोलैप्स हुई थी, टीम इंडिया सिर्फ 229 रन बना पाई थी, तो वहां पर टीम इंडिया एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर को शामिल करना चाहती है, इसीलिए टीम इंडिया जो है वो श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में शार्दुल ठाकुर को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकती है। तो नंबर 8 पर आपको दिखाई देंगे शार्दुल ठाकुर। नंबर 9 पर आपको दिखाई देंगे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के लिए भी ये टूर्नामेंट शानदार रहा है, जबरदस्त रहा है। बीच के ओवर्स में आते हैं, विकेट चटकाते हैं और विरोधी टीमों पर दबाव जो है वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में कुलदीप यादव आपको नंबर 9 पर दिखाई देंगे। नंबर 10 पर खेलते हुए दिखाई देंगे मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी ने मेला लूट लिया है, पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने 9 विकेट चटका दिए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने पंजा खोला था, तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 4 विकेट चटकाकर इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ दी थी। तो ऐसे में मोहम्मद शमी आपको श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे नंबर 10 पर। और नंबर 11 पर दिखाई देंगे जसप्रीत बुमराह। बूम बूम बुमराह कर रहे हैं विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को गुमराह। इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी और 3 विकेट चटकाए थे। तो ऐसे में बुमराह जो है वो आपको नंबर 11 पर दिखाई देंगे और मोहम्मद सिराज इस मुकाबले में प्लेइंग 11 से बाहर नजर आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से रह सकती है श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की प्लेइंग 11। चलिए आपको फिर से पूरी की पूरी प्लेइंग 11 बता देते हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करेंगे। नंबर 3 पर खेलेंगे विराट कोहली। नंबर 4 पर होंगे ईशान किशन। नंबर 5 पर केएल राहुल। नंबर 6 पर होंगे सूर्या। नंबर 7 पर दिखेंगे रविंद्र जडेजा। नंबर 8 पर दिखेंगे शार्दुल ठाकुर। नंबर 9 पर कुलदीप का कमाल देखने को मिलेगा। नंबर 10 पर होंगे मोहम्मद शमी और नंबर 11 होगा बूम बूम बुमराह के नाम। तो कुछ इस तरीके से रह सकती है श्रीलंका की प्लेइंग 11। वैसे दोस्तों, टीम इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में लगातार 6 मुकाबले जीतकर जीत का सिक्सर लगा दिया है, लेकिन क्या 7वें मुकाबले से मोहम्मद सिराज को बाहर करना ठीक रहेगा? क्या 7वें मुकाबले से मोहम्मद सिराज को बाहर किया जाना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं और हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो स्पोर्ट्स क्रीड़ा क्रिकेट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, ताकि आपको क्रिकेट की लेटेस्ट अपडेट्स सबसे तेज और सबसे पहले मिल सके। तो अपने दोस्त प्रदीप सहगल को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।